गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे भाई हो, सब बढ़िया होंगे? तो भाई अभी सुबह हो गई है, उठ गए हैं सब, बैग वैग पैक कर रहे हैं और फिर निकलते हैं गंगोत्री धाम के लिए। कल भी काफ़ी रात हो गई थी, बारिश भी हो गई थी, आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में। तो चलिए भाई अब देरी हो जाएगी, फिर निकलते हैं। नितिन ये भाई, ये जयपुर से हैं, ये भाई कह रहे कि बाइक से कैसे आए? भाई बस, भाई बस, भाई बस, हमारे 28 सवारी है, इस बस से आए हैं, ये सभी सवारी से आए हैं। और इसी चारों धाम कर गए आप? चारों धाम करेंगे, पहले यमुनोत्री जाके आए हैं, अब गंगोत्री जा रहे हैं, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ। एक हफ्ते टूर है लगभग, एक हफ्ते उत्तराखंड में तो बहुत आनंद आया हमको। ऐसी सौंदर्यीकरण हमने पहली बार जिंदगी में देखा है। कुदरती खूबसूरती, यहाँ से प्रकृति असली खूबसूरती, मैंने 10 दिन घूमने के बाद में भी जो नजारा यहाँ का देखा, ऐसा नजारा मैंने कहीं नहीं देखा जी। स्वर्ग है नहीं सर? अरे स्वर्ग से भी बढ़ गया। ये रूट इधर से गंगोत्री जाएगा और अभी हम रुके हुए हैं हरसिल वैली। रात में इधर ही नाइट स्टे किया था क्योंकि बहुत बारिश और ठंड थी, तो हम लोग तो बाइक से हैं तो हम सब लोग इधर ही रुके थे रात। अंकित आपकी क्या करूँगा, दो चाय ले लेते हैं। चाय भाई हमारे उसको भी ले लेंगे, खाली पड़ी है अभी तो, अंदर की हाँ ले लेंगे, जिससे कम से कम याददाश्त रहेगी। अपन मिले थे साथ साथ। उनको भी मैंने वीडियो भेजा, बड़ा पसंद। नहीं नहीं आप एक बात बताओ, ये भैया हमारे हमारे भैया से मिलते ही मेरे वो आश्चर्य, बाइक से रहा बड़े यार, आप लोगों ने हमको काफी सीखा। चाय बन रही है, चाय बताना कितना जा रहा है, चल रहा है क्या? भाई दिखा दो अपनी बाइक तो अलग सस्ता होगी। ये देखो ये खड़ी हमारी रानी, ये है एक प्रधान जी की जो यहाँ स्टैंड रुकी है। ये है गिरी, सुबह सुबह मुंह धोने की तैयारी और फेसबुक, फेसबुक से लगाया है, या फेसबुक से लगाया, फेसबुक की ये रात बहुत अच्छी गई, मेरी रात तो देर अच्छी गई। ओके कैसा लगा? नहाए आप? नहाए नहाए आप इतने ठंडे पानी में? क्या हुआ मान ये भाई? अरे आप नहीं लाओगे गो मुंह नहाए गो मुंह में? प्रधान जी कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, मजा आ रहा है। अरे कुछ क्या बोल दो, ये हमारे सारा ये भाई हमारा सारा मैनेजमेंट देखता है, इसी की वजह से हमें एकदम से रूम मिलता है, हमें सांस मिलता है भाई जी। ये फोटो शूट हो रही है यहाँ पे, अच्छा ये अच्छा अच्छा कहाँ जा रहे आप? माता रानी के दर्शन करने के लिए। ओके कितनी दूर है? पहुंच गए 20 किलोमीटर मात्र, साल की तक बचा रखे। ये यहाँ पे जो ना हेलीपैड बनाया हुआ है जहाज वगैरह के लिए ना, पूरे हेलीपैड है। हरसिल वैली का वैसा नाम है भाई, बहुत बहुत प्यारी है भाई, बहुत अभी प्यारी। अभी हमने पता किया, एक आर्मी वाले भैया ने बताया कि इसमें इसमें जाओ अंदर, तभी आए हम, है ना? नहीं तो सीधे उत्तर का सीधे आते भाई, सीधे जाते हम, कुछ तो चले गए हमारे साथ के, बाकी हम आए हैं हरसिल वैली। भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी
पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की तेरा साथ ही जा वाले की एंट्री पे ही आर्मी वाले खड़े हुए भाई। अबे मैं बड़ा भाई चलो फिर तू चला ली हिंदी हाँ। अभी हम यहाँ थोड़ा रुके हैं, हमें रोका गया है, देखते हैं क्या स्लिप वगैरह क्या हो रही है, क्या बन रहा है, क्या कुछ नहीं। तो कटवा कर तैयार रखते तुम बेवकूफ हो। अर्जुन भाई कितनी देर के आया इधर? मैं एक घंटे से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हूँ खड़ा हुआ। मेरा क्या खेल रहा है? कितनी टीम आई मेरे साथ? टीम का इंतजार कर रहा हूँ। पार्किंग पीछे नीचे जहाँ टाउन है वहाँ पे पार्किंग बच्ची तो काले नहीं, पार्किंग बीच में ही जा नीचे रोड जा रही आगे बीच में घुसा दो बाहर इतना रोड गाड़ी बाहर निकल जाए कितना है ये अपने कहाँ से आओ कहाँ से चेतवानी देखो भाई चेतवानी अभी हम लोगों ने कर दिया बाइक की पार्किंग और अभी हम अपना सामान वगैरह उतार कर करेंगे। इधर से थोड़ा सा पैदल मार गए इधर से रोड और उसके बाद हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। अब हम लोग पैदल थोड़ा ट्रैक करेंगे गंगोत्री धाम के लिए। फिर अस्तु तीन जी कह चाहिए कि तब से नहीं आ रहा स्टार्ट कितना यहाँ से आधा किलोमीटर दो मुख बता रहे हैं 18 किलोमीटर ट्रैकिंग। चलो हम एक होटल ले गए हमें उसमें सामान रख देंगे फालतू का और आधे चलेंगे दो मुख चलेंगे चलते क्या कर लेंगे। हाय गाइस कैसे हो आप लोग सब? टोटल लूटा दिखा दो भाई लेकिन हेलमेट इसको भाई तेरे को तो बोल चा ये गंगे मैया की जय। गंगे मैया की जय। भाई आप सब लोग पहुंच ही पड़ दो भाई। हाँ भाई पहुंच रहा है भाई। आओ के लिए 1:30 1:15 ये यहाँ की मार्केट है ये गंगोत्री धाम की। आज 9:54 पे हमने जो है गंगोत्री में एंट्री की है। काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र रहा है, कल बहुत बारिश थी। गंगोत्री गंगोत्री धाम और हमें कल कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। कल बारिश रास्ते में बहुत ज्यादा थी,
काम ही पता। 4 घंटे लगातार बारिश में चलने के बाद बड़ी मशक्कत और मुश्किलों से भरा सफर करने के बाद आज हम गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। बस अभी दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करेंगे, गोमुख जाएंगे या नहीं जाएंगे आपको बताएंगे। बिल्कुल। एक कितने साल पहले आया था तू? इनके साथ ही आया था। ये भाई 4 साल बाद फिर से आया था गंगोत्री धाम, कैसा फील कर रहा है भाई? बहुत अच्छा। अर्जुन भाई आप कब आए थे? मैं पहली बार धाम पे आया हूँ और हो भी हम सब किस्मत देख हमारी, हम चारों धाम एक साथ कर रहे हैं, हम चारों धाम एक साथ इकट्ठे हैं। ये टोपी भाई हमारे दोस्त हैं, हम पूरी टीम के साथ चल रहे हैं। अक्टूबर में हम केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे एंड तुंगनाथ, काफी अच्छा लग रहा है। ये दोस्त है ये तुरंत राम सर के गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई वीडियो को शेयर भी कर देना अपने साथ वालों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।